गोद में नवजात को लेकर उफनती नदी को पार कर रहे ये ग्रामीणों की तस्वीर चमोली के वाण गांव की है, जहां पर एक नवजात और उसकी मां को ग्रामीण उफनती नदी पार कर कुर्सी के सहारे घर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं और लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली में एक गर्भवती महिला को इलाज के लिए कुर्सी पर बैठाकर लकड़ियों के सहारे बांधकर ले जाना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। लेकिन अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसी महिला और उसके नवजात बच्चे को ग्रामीण अस्पताल से घर ले जा रहे हैं। चमोली जिले के वाण की सड़क बुराकोट में क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ के ग्रामीण सड़क मार्ग तक जाने के लिए टूटी सड़क पर बिजली के खंभे डालकर सफर करने में मजबूर हैं। गर्भवती महिला किरण देवी पत्नी देवेंद्र सिंह को 1 किलोमीटर पैदल कुर्सी पर बैठाकर इलाज के लिए जाना पड़ा। इस दौरान महिला को उफनते हुए बरसाती नाले से होकर गुजरना पड़ा। महिला स्थानीय युवाओं के कांधे पर सवार होकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची। इस सड़क के बरसात में कट जाने से ग्रामीणों ने यहाँ से एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है, जिसके लिए एक वैकल्पिक पुल भी बनाया गया है, जिसके सहारे लोगों को जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है। इस महिला को अस्पताल तक ले जाने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महिला गर्भवती थी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था। महिला को बमुश्किल अस्पताल पहुंचाया गया और अब फिर से महिला और उसके नवजात बच्चे को घर ले जाने के लिए भी ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। किरण देवी जी को हॉस्पिटल भेजा गया था और कल रात को उनका 12:19 का ये लड़का हुआ और कल रात को ही यहाँ पे भयानक बारिश हुई और यहाँ पे पूरा वो जो लकड़ी का पुल बनाया था अस्थायी पुल वो बह गया था। आज हमने दोबारा से 2 पुल डाल करके ये पुल बनवाया, फिर ऐसे बच्चे को पार कराया। भगवान की द्वारा ही लागू देता की कृपा। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को इलाज के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं आपके साथ निहारिका बिस्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।